किया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है खुदा की इस पाक पवित्र प्रेजेंस में। और मैं विश्वास करती हूँ आज की सुबह आपके लिए बहुत ही बहुतायत की आशीष लेके आई है। और चलिए हम रोजाना की तरह सुबह की प्रार्थना में चलते हैं और आज हम प्रार्थना करेंगे खुदा के कलाम को लेकर। साथ में हम पढ़ेंगे और साथ साथ हम प्रार्थना करेंगे। आपने मेरे साथ एक मन एक चित्त होना है इस भजन संहिता को पढ़ने के लिए और आपने प्रार्थना भी करनी है जैसे खुदा का कलाम कहता है। आपने उसके अनुसार प्रार्थना करनी है और कैसे परमेश्वर आपके मन की युक्तियों को पूरा करेगा, आपके मन की जो इच्छाएं उसे पूरा करेगा, जितनी रुकावटें अपने जीवन उनको खत्म करेगा और एक नई दिशा की और एक नए मार्ग की ओर मेरा परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस प्रार्थना को करने के लिए? तो चलिए फिर हम चलते हैं इस प्रार्थना को करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष और बरकत प्राप्त कर रहे हैं, मसीह को जान रहे हैं, अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और मैं चाहती हूँ जब आप किसी दूसरे पर्सन को ये वीडियो लिंक शेयर करेंगे उसका जीवन बदलेगा, परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। क्योंकि वचन में लिखा जब सुसमाचार भेजा ना जाएगा तब तक कैसे कोई विश्वास करेगा। तो आपने जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता आपने उनको भी ये लिंक सेंड करना है ताकि परमेश्वर उनकी आंखों को खोले, उनके हृदयों को चेंज करे, वो भी मसीह में आए। हालेलुया, आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 147। भजन संहिता 147 हम पढ़ेंगे तो यहाँ भजनकार परमेश्वर की प्रशंसा करता है और बीच बीच में परमेश्वर की प्रशंसा करता हुआ परमेश्वर से मांगता है और परमेश्वर को बताता है कि क्या उसे जरूरत है, क्या कैसे प्रभु ने उसकी पहले जरूरतों को पूरा किया है और अब कैसे पूरा करेगा। ये सब बातें इस भजन संहिता में लिखी गई है। तो आइए हम पढ़ते हैं। याह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हालेलुया, यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वे निकाले हुए इसराइलियों को इकट्ठा कर रहा है, वे खेदित मन वालों को चंगा करता है और उसके शोक पर मरमर पट्टी बांधता है, वे तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अम्परपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वे आकाश को मेघों से छा देता और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वे पशुओं को और कुएं के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है, ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यह अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर, हे सियोन अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया और तेरे लड़कों को आशीष दी। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वे ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वे बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर दे गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। हालेलुया, वे आज्ञा देकर उन्हें लगाता है, वे वायु बहाता जब जल बहने लगता है। वे यकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों और औरों ने नहीं जाना। या की स्तुति करो। हालेलुया, या कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर की स्तुति करो। यह भजन कर परमेश्वर की स्तुति करता करता उसकी अप मन भावनी स्तुति कर रहा है, अपने मन से उसके मन से आवाजें निकल रही है और वो पूरे मन के साथ प्रभु की प्रशंसा कर रहा है। आप भी प्रिय भाई बहन जब भी परमेश्वर के सामने आए तो पूरे मन को प्रभु के सामने खोलना है, पूरे मन से प्रभु की क्या करनी है? स्तुति करनी है। और वचन में लिखा है खेदित मन वालों को चंगा करता, उसके शोक पर मरमर पट्टी बांधता है। हालेलुया, अगर आप खेदित मन वाले हो, आपका किसी ने मन दिखाया, आप बड़े परेशान अपने कर्जे को लेकर या घर की परिस्थितियों को लेकर या रगड़े झगड़े को लेकर या अपनी बीमारी को लेकर आप परेशान हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है वे खेदित मन वालों को
वह खेदित मन वालों को चंगा करता है। आज आपको चंगे होने का दिन है, आज की सुबह आपके लिए ब्लेसिंग की सुबह है। आज आप जिस मार्ग पे जाएंगे, मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के वचन को ले रहे हैं, याह की स्तुति कर रहे हैं, मन भावनी स्तुति हम कर रहे हैं, तो वो या वो परमेश्वर, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करेगा हर हिस्से में। जहां कहीं हम जाएंगे वो हमारे साथ साथ उसका आत्मा चलेगा। हालेलुया, क्योंकि उसका वचन कहता है खेदित मन वालों को चंगा करता और उसके शोक पर मरम पट्टी बांधता है। जितने हम दुखी हैं, परेशान, जो भी जिस हालातों में लोग गुजर रहे हैं, आज मुझे कितने लोग देख रहे हैं, अगर आप परेशान है, दुखी है, किसी भी तरह से विपत्ति से गिरे हुए हैं, तो परमेश्वर आपके उस दुख को ऊपर पट्टी, मरम पट्टी लगाएगा। आज वो सुख आपको देगा, आज वो शांति देगा, आज वो आपको आनंद से भर देगा। चाहे कुछ भी हो, पर परमेश्वर आपको ऐसी खुशी देगा जिससे आप सारे गम भूल जाएंगे। अपने शरीर की तरह आपको बीमारी है, आपको तंग कर रही है, आप भूल जाओगे उस बीमारी को, क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर मरम पट्टी बनने जा रहा है। हालेलुया, आप ब्लेस हो प्रिय भाई बहनों। खुदा का कलाम जब हम पढ़ते तो हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है, हमें भरपूरी मिलती है, परमेश्वर का साथ मिलता है। आज वो साथ आपको मिल चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं चाहती हूँ मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँ, सभी के लिए प्रार्थना करूँ, अपने हाथों को उठाए और मेरे साथ एक मन एक चित हो जाए। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु परमेश्वर, जो आपने नया एक दिन दिखाया है, नए सूरज की किरणें खाइए मेरे पिता परमेश्वर। हमें फिर से प्रभु अपने जीवतों की मंडली में शामिल कर लिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मैं दिल से, रूह से पिता परमेश्वर, मन भावना पिता बलिदान देती हूँ धन्यवाद का मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, इन लोगों के लिए जो खेदित मन वाले हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, जिन्हें जरूरत है प्रभु परमेश्वर आज आपके हाथ के पिता परमेश्वर। आज पिता मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए प्रभु जी, तेरा जलाली हाथ इन भाई बहनों के ऊपर आए पिता परमेश्वर। अगर जितने खेदित मन वाले हैं आज पिता परमेश्वर, ये चंगे हो जाए तेरे वचन के अनुसार, जो तेरा वचन कहता है खुदावंद प्रभु परमेश्वर, आज इनके ऊपर तू मरम पट्टी बांध रहा मेरे पिता परमेश्वर, इनके जख्म को भरना पिता परमेश्वर, जो सालों से इनके मनों में है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ने लगे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता। जो काम सालों से नहीं बन रहे प्रभु वो बनने लगे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, जो सालों से बीमारियां नहीं जा रही आज प्रभु उसका लास्ट जय हो पिता परमेश्वर। अभी इसी वक्त वो बीमारियां को छोड़ के जाते रहे, वो दर्द ने छोड़ दिया, पत्थरियां, रसोलियां, बवासीर की प्रॉब्लम, यूट्रस की समस्या, पीरियड सही तरह से ना आना, ये सारी समस्या अभी इसी वक्त खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में पिता। जिनको दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा निकले इनके शरीरों से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में, मैंने फ्री करती हूँ, यानी आजाद करती हूँ, कर से मैं आजाद देती हूँ। आज से कोई कर जानी, आज से आपके दिन बहुत आए के दिन है, आप बढ़ने जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, बहुत आए से बढ़ रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। मैं आपके बच्चों को ब्लेस करती हूँ, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके माता पिता को, आपके घर को, आपके काम काजों को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप ब्लेस करें, क्योंकि चर्च